लेटेस्ट न्यूज जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो, मैं प्रीति राजपूत एंड यू आर वॉचिंग रिमिक्स स्टोरी। रिमिक्स स्टोरी में आज हम आपको बताने वाले हैं अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की फुल स्टोरी के बारे में। फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब सुपरहिट तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म मुन्नी 2 यानी कि कंचना का हिंदी रीमेक है, जिसमें लीड रोल प्ले किया था तमिल इंडस्ट्री के जाने माने स्टार राघव लॉरेंस ने। दिलचस्प बात यह है कि राघव ने ही फिल्म की स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन भी किया था। लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर यूजर्स को कंफ्यूजन है कि ये फिल्म कंचना 2 का रीमेक है, लेकिन असल में ये मुन्नी 2 यानी कि कंचना का रीमेक है। राघव लॉरेंस की मुन्नी साल 2007 में रिलीज हुई थी। राघव ने इसी फिल्म का सीक्वल 2011 में मुन्नी 2 कंचना के नाम से रिलीज किया था, जो एक ट्रांसजेंडर की कहानी थी। इसके बाद साल 2015 में कंचना 2 रिलीज हुई, जिसमें राघव के साथ तापसी पन्नू ने लीड रोल प्ले किया था। इस साल 19 अप्रैल को कंचना 3 रिलीज हुई थी। फिल्म के तीसरे पार्ट को फैंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद फिल्म के हिंदी रीमेक को बनाने का फैसला लिया गया था। हिंदी रीमेक में फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब है। फिल्म में कियारा आडवाणी और अक्षय कुमार लीड रोल में हैं। लक्ष्मी बॉम्ब का पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है, जो फैंस को काफी पसंद आया है। फिल्म के हिंदी रीमेक को भी राघव लॉरेंस डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन हाल ही में राघव ने ट्वीट कर कहा कि वो अब कंचना के हिंदी रीमेक का हिस्सा नहीं है। फैंस के लिए बात काफी चौंकाने वाली है। राघव लॉरेंस के ट्वीट ने साफ किया कि अब वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। राघव ने लिखा, इस दुनिया में पैसे और फेम से भी ज्यादा किसी इंसान के लिए उसका आत्मसम्मान मायने रखता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कंचना के हिंदी रीमेक से बाहर हो रहा हूँ। तमिल फिल्म कंचना एक ऐसे लड़के की कहानी थी जो भूतों से बहुत डरता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर ट्रांसजेंडर की आत्मा आ जाती है, जो लोकल MLA से अपनी और अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहती है। ये फिल्म 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज के पहले हफ्ते में ही तेलुगु भाषा में सेम नाम के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म कंचना की सक्सेस के बाद फिल्म कन्नड़ में कल्पना के नाम से रिलीज की गई थी, जिसे रामा नारायण ने डायरेक्ट किया था। इसी फिल्म को श्रीलंका में माया और बांग्लादेश में मायाबनी के नाम से भी बनाया जा चुका है। 7 करोड़ के बजट में बनी कंचना ने उस समय तमिल बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म के हिंदी रीमेक में अक्षय कुमार ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रहे हैं, पर इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा और क्या वो राघव की तरह फिल्म के टेस्ट को हिंदी रीमेक में भी जिंदा रख पाएगा। रिमेक स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे फिल्मों की नई स्टोरीज के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो HS News को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। HS News, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।